दुष्कर्म पीड़ित महिला ने जहर खाकर की आत्महत्या, आरोपी गिरफ्तार। कोतवाली सवार क्षेत्र में एक रेप पीड़िता महिला ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने इस मामले पर दो लोगों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच में जुट गई। घटना 11 जुलाई की है। 11 जुलाई को महिला के साथ उसी के पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति ने दुष्कर्म किया था। पीड़िता ने उसके परिवार वालों ने थाने पर दस्तक दी, लेकिन थाने पर कोई सुनवाई नहीं हुई, तो आज रेप पीड़ित महिला ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। तब जाकर पुलिस ने आज संबंधित धाराओं में कोतवाली सवार में मृतक महिला से जिस व्यक्ति ने दुष्कर्म किया था उसके खिलाफ और उसकी पत्नी शबाना के खिलाफ दुष्कर्म और आत्महत्या के लिए प्रेरित करने की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया। दुष्कर्म के आरोपी फाजिल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जनपद रामपुर कोतवाली सवार के बिजार खाता गांव निवासी विवाहिता महिला, जिसके पति की एक साल पहले मौत हो गई थी, विवाहिता चार बच्चों के साथ रहती थी। उसी के पड़ोस में रहने वाले फाजिल नाम के युवक ने 11 तारीख की रात को उसके साथ दुष्कर्म किया और इस घटना के बारे में किसी को भी नहीं बताने से मना किया, क्योंकि विवाहिता के भाई के मुताबिक उसने उसके बच्चों को जान से मारने की धमकी दी थी। बहरहाल पीड़ित महिला ने इस घटना के बारे में अपने परिवार वालों को बताया। उन्होंने इस बात को लेकर थाने में तहरीर दी। थाने पर कोई सुनवाई नहीं हुई, तो आज दुष्कर्म पीड़ित महिला ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। इस्माइली भाई, जिनकी मौत हुई है जहर खा के, कौन है आपकी? ये मेरी बहन है। क्या घटना हुई इनके साथ? घटना ये हुई कि फाजिल नाम का व्यक्ति इनके घर में घुसा रख के 1 बजे सीढ़ी लगा के, और उसने इनको जाके धमकाया और इनको मारा पीटा और इनके साथ अपना हफीस का शिकार बनाया, बलात्कार किया इनके साथ, और इन पर काफ़ी मारने के बाद में ये कहा कि तुमने किसी से कहा तो मैं तुम्हारी गोली मार दूंगा, तमंचा इनके कानों पर रख दिया। और उसके बाद उसने कहा तुमने ये बात किसी को बतलाई सुबह में तो मैं आपको जो है और आपके बच्चों को उड़ा दूंगा, और इनकी जो है नंगी करने के बाद वीडियो बनाई। उसने कहा तुमने किसी को बताया तो ये वीडियो जो है मैं सारे लोगों को दिखा दूंगा। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद में सर ये अपने बच्चों के डर से, अपने डर से, इनके पति जो है उनकी डेथ हो चुकी है, उन्हें मार दिया गया है 10 महीने पहले, तो ये अपने पति का गम तो भूली नहीं थी और इनको इतनी बड़ी धमकी दी। धमकी के साथ साथ इन्होंने जो था किसी को नहीं बताया। सुबह एक इनकी पड़ोसन है, उन्हें इन्हें बतलाया। सुबह होते ही जब ये अपने जेठ के घर से अपने घर पहुंची तो फाजिल की जुड़वा ने जब देखा छत पे चढ़ के तो उसने ताना दिया, और ताना देने के बाद ये कहा कि तू इज्जत के खातिर अभी नहीं मरी, इज्जत के खातिर तू अभी नहीं मरी। तो उसने कहा कि मैं मरूँ कैसे, तू मुझे जहर लगा दिया तूने, तो बोली के लिए जहर मेरे पास है, जहर खा के मर, तू इतनी गैरतदार है। तो इसने छत पे था फाजिल की बीवी ने जहर की पुड़िया फेंकी, तो उसमें 2 गोली थी और वो 2 गोली उसने उसी टाइम खा के और काम उसका ख़त्म हो चुका। थाना सवार क्षेत्र में एक महिला द्वारा जहर खाने का मामला आया है सामने, क्या है सर पूरा मामला? आज दोपहर में थाना सवार क्षेत्र के एक व्यक्ति ने तहरीर दी कि उसकी बहन अपने घर पर अपने बच्चों के साथ अकेली रह रही थी। 11:45 की रात्रि 11 बजे उसका पड़ोसी उसके घर में घुसाया और उसकी बहन के साथ बुरा काम किया। ये बात उसकी बहन ने कल शाम को अपने परिवार वालों को बताई थी। परिवार वाले इस बात पर विचार कर रहे थे, तभी जो उस महिला ने आज सुबह कुछ जहरीला पदार्थ खा लिया जिसके खाने से उसकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में थाना सवार पर बलात्कार और आत्महत्या प्रेरित करने का मुकदमा लिखा गया है, और जिस आदमी पर आरोप था उसे गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने। आगे विधिक कार्रवाई की जा रही है।